कैसे हो सर? अच्छे अच्छे। कहाँ से हो? गांव लुआवर, तहसील पिपलदा, जिला कोटा। अच्छा जी, तो आज कितना लहसुन लेके आए थे? हम लाए थे 140 कट्टे। 140 कट्टे। हाँ, क्या भाव बिका सर? 155 रुपए किलो। 155 रुपए, यानी 155। क्वालिटी अच्छी है? क्वालिटी बम्पर बम्पर। तो सर सभी मिलके लाए थे या फिर दो मिल के आपका? लाए थे। अच्छा जी, अच्छा। किसान हो? किसान। तो अभी कितना माल हो रहा है पीछे? अभी मतलब 80 कट्टे बिक चुके हैं। 80 घर पे कितना है? घर पे तो यही हो गए 100-150 कट्टे। 100-150 कट्टे। कितना बीघा लगाया था आपने? हमने लगाया 10 बीघा। 10 बीघा लगाया था। तो अब की बार तो आपको जो पीछे का जो नुकसान हो रहा है वो कवर हो जाएगा? कवर हो चुका। और आगे अगर नए लहसुन की बात करें तो क्या विचार है? आगे नए लहसुन लगाएंगे 10 बीघा वापिस। सर अब की बार भाव ज़्यादा है, हो सकता है तो इसमें कवर हो गए ना? तो इसमें तो कवर हो गए, यानी भाव ज़्यादा है, अगली बार भी अच्छा लोग रहेगा। नहीं सर, देखो भाव का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब की बार जैसे मान लो 150-200 तक पहुंच रहा है। हाँ। अगली बार सारे किसान ये सोचेंगे, प्याज वाले भी यही सोचेंगे कि भाई लहसुन में फ़ायदा है। हाँ। अगली बार लहसुन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर लहसुन ज़्यादा मात्रा में होगा तो फिर भाव डाउन आ जाएगा। भाव डाउन होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा उत्पादन हो जाता है उसका भाव डाउन आ ही जाता है सर। तो इतना लगाओ यानी कि दिक्कत ना आए बाद में। अब भाई साहब, मैंने एक प्याज का है, वो इंटरव्यू लिया है, वो कह रहे थे कि भाई साहब इतना नुकसान है, 10 बीघा लगाया था, तो मको आप अब की बार कितना लगाओ? कह रहे भैया 2 या 3 बीघा लगाऊंगा, बाकी दूसरी फसलों पर डाइवर्ट होऊंगा। तो उसकी भी बात बिल्कुल ठीक है, अगर मुनाफा हो जाता है तो 2 बीघे में आपका 5 बीघे जितना मुनाफा हो सकता है सर। और अगर आप 10 बीघा लगा के और 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये लहसुन बेचोगे तो फिर फ़ायदा क्या है सर? जी तो बात करें आपके एरिया में अभी लहसुन की, तो कितना परसेंट अभी स्टॉक है, किसानों के पास कितना है वो पूछना था। अभी तो मान के चलो 10% होगा। 20% होगा सर। तो और व्यापारियों के पास भी होगा सर? वहाँ व्यापारी नहीं है वहाँ पे हमारे। अच्छा, व्यापारी वगैरह किसान ही किसान। तो किसानों के पास 20-25% है अभी, उससे पहले निकाल दिया आपने कुछ माल? तो पीछे तो आपने जैसे 35 रुपये नीचे में बिक रहा था, आज से मई की बात है, मई जून में, ठीक है जी सर, आज वही जो 70-75-80 रुपये तक जो छर्री है, जो छोटी वो बिक रही है। तो क्वालिटी कैसी है आपकी, सारी एक जैसी है या फिर? नहीं, दो क्वालिटी ना, दो क्वालिटी में। कौन सा लहसुन है सर? G2 महादेवा। महादेवा सर। तो उसका रेट आपको ठीक मिला है? हाँ। इस रेट में आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। यानी जो लहसुन के मैं देख रहा हूँ कि लहसुन के जो किसान हैं वो भाई संतुष्ट हैं, खुश हैं, बाकी जो प्याज के किसान हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो सीधा सीधा मोदी जी को ऐसे कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, 40% जो टैक्स लगाया है उससे हमारा जो भाव नहीं मिल पा रहा है। तो आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे सर? कुछ लहसुन के बारे में, ज्यादा लगाएं कम लगाएं? ज्यादा ही बड़ा होगा तो जी के पास जो, ये तो भविष्य की कह नहीं सकते, पर्याप्त जो बीज भाई, जो जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतना ही लहसुन लगावे। मोल लेके अगर करते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि सर मोल लेंगे तो लगभग 150-200 रुपए के आसपास उनको मिलेगा। तो अगर वो मान लो आगे इतने रेट में ना बिकेगा तो उनको नुकसान है। बिल्कुल नहीं, आज भी तो मुश्किल ही करेंगे तो 10-20 किलो, यानी जो जिनके पास लहसुन ऑलरेडी है अपना खुद का वो लगा सकते हैं सर। वही लगा सकता है जिसके पास लहसुन है ना। बिल्कुल, वही लगाए, दूसरा नहीं लगाए। तो ये थे किसान और इन्होंने अपने बारे में बताया, खुश हैं बिल्कुल जो भाव है। और सर अगर मान लो और भी थोड़ा सा मिल जाए तो और भी संतुष्ट हो जाओगे? ये बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत है। तो हमारे जो किसान भाई हैं, मैं भी किसान हूँ, तो भाव से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल जी, 150 मिल जाएगा तब भी। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो जी सर, धन्यवाद आपका।